हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। आज का टॉपिक है हमारा इरप्शन सीक्वेंस। इरप्शन सीक्वेंस में हम दो वीडियोस बना रहे हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम आज बात करेंगे डेसीडियस टीथ की। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे परमानेंट डेंटिशन की। तो वीडियो में देखेंगे इरप्शन सीक्वेंस कैसा होता है, कौन सा दांत कब आता है, और इरप्शन टाइम भी हम देखेंगे कि कौन सा टूथ कब आता है डेसीडियस डेंटिशन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए आते हैं अब सीधे वीडियो में। तो डेसीडियस डेंटिशन की आज हम बात कर रहे हैं। तो डेसीडियस डेंटिशन में हमारे पास एक क्वाड्रेंट में 5 और चारों क्वाड्रेंट में मिला के 20 टीथ होते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वाड्रेंट ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है एक क्वाड्रेंट में 5 टूथ। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, सेंट्रल इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, K9, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर। प्री मोलर्स डेसीडियस डेंटिशन में नहीं होते हैं, वैसे ही लोअर में भी होगा सेंटर इंसाइजर, लेटरल इंसाइजर, K9, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर। तो इसके सीक्वेंस को याद करने के लिए एक हम रफली पैटर्न एक ड्रॉ करेंगे, वो आपको याद करना है। याद आपको ये रखना है, सबसे पहले लोअर सेंटर इंसाइजर डेसीडियस डेंटिशन में आता है, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे। तो पहले आप देख लीजिए, मैं ड्रॉ करता हूँ, देखने में शायद टफ लगे, फिर हम यहाँ पर समझेंगे। तो सेंटर इंसाइजर से स्टार्ट करना है, लोअर सेंटर इंसाइजर, अपर सेंटर इंसाइजर, अपर लेटरल इंसाइजर, लोअर लेटरल इंसाइजर, यहाँ से हम कैनाइंस को छोड़ के अब फर्स्ट मोलर में जाएंगे। तो अपर फर्स्ट मोलर, देन लोअर फर्स्ट मोलर, देन अपर कैनाइन, फिर लोअर कैनाइन, फिर हम जाएंगे लोअर मोलर, लोअर सेकेंड मोलर एंड अपर सेकेंड मोलर। तो ये एक पैटर्न है, ये आपको याद रखना है। रफली अगर हम इसको देखेंगे तो एक NXI बनता है, ये आपको याद रखना है NXI। यहाँ से जैसा हम चले हैं सेंट्रल इंसाइजर से, अपर सेंट्रल इंसाइजर, अपर लेटरल इंसाइजर, लोअर लेटरल इंसाइजर, इसके बाद हम जाएंगे अपर फर्स्ट मोलर, लोअर फर्स्ट मोलर, देन अपर कैनाइन, लोअर कैनाइन, लोअर सेकेंड मोलर एंड अपर सेकेंड मोलर। तो एक रफली NXI बनता है। तो ये आपको याद रखना है इरप्शन सीक्वेंस के लिए। तो ये पैटर्न आपको याद करना है, मैं नंबरिंग इसमें कर देता हूँ ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए। तो सबसे पहले लोअर सेंट्रल इंसाइजर, अपर सेंट्रल इंसाइजर, अपर लेटरल इंसाइजर, लोअर लेटरल इंसाइजर, इसके बाद अपर मोलर, फर्स्ट मोलर, लोअर फर्स्ट मोलर, अपर कैनाइन, लोअर कैनाइन, लोअर सेकेंड मोलर एंड अपर सेकेंड मोलर, ये सीक्वेंस होगा। और अगर हम एक ही क्वाड्रेंट की बात करें, इजीली अगर समझें, तो जो टूथ नंबरिंग सिस्टम होता है इसको हम A B C D E से डिनोट करते हैं, जो हमारे टूथ हैं सेंटर इंसाइजर, लेटर इंसाइजर, K9, फर्स्ट मोलर और सेकेंड मोलर को। इस पर अगर सीक्वेंस हम समझने की कोशिश करें तो जनरली आपको याद करना है A B D C E। तो ये आपको याद करना है A B D C E, A B C D E ना याद करके आपको A B D C E याद करना है। तो इससे ये होगा, ये सेंट्रल इंसाइजर के बाद लेटर इंसाइजर, लेटर इंसाइजर के बाद फर्स्ट मोलर, फिर कैनाइन और फिर सेकेंड मोलर। अब इरप्शन टाइम इनका देख लेते हैं, इनका इरप्शन टाइम। तो सेंट्रल इंसाइजर, लेटर इंसाइजर, K9, फर्स्ट मोलर एंड सेकेंड मोलर। अब देखिए, सबसे पहले आता है लोअर सेंटर इंसाइजर और लगभग टाइमिंग इनकी एक सी होगी, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर की लगभग टाइमिंग सेम होगी, तो हम उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। तो सेंट्रल इंसाइजर में ये 6 to 7 month, लेटर इंसाइजर 7 to 8 month, 7 नीचे आ जाएगा, K9 जो होता है 9 to 11 month। इसके बाद जो दोनों मोलर होते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, ये होता है 10 to 12 month, और ये सारे मंथ्स में है 6 to 7, 7 to 8, 9 to 11, फिर दोनों मोलर जो है 10 to 12 months में आएंगे। तो जनरली हमने डेसीडियस डेंटिशन के इरप्शन सीक्वेंस और इसके टाइमिंग के बारे में देखा कब ये इरप्ट होता है। तो NXI आपको याद कर लेना है, इसके इरप्शन सीक्वेंस याद करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए।
तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इरप्शन सीक्वेंस समझेंगे परमानेंट टीथ की, परमानेंट डेंटिशन की कैसे होती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं किन टॉपिक्स पर आप और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं। कुछ सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो थैंक यू, एंड जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना।